जेठालाल और गोकुलधाम के जितने भी पुरुष मंडली है सभी ने आखिरकार पोपटलाल के घर में पार्टी शार्टी करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी बापूजी ज़रूर इसके अंदर आएंगे, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं आते, हमेशा वो बहाना करके आते हैं। कभी शराब पीकर नाटक करते हैं या फिर कभी कोई कहानियां बनाकर पार्टी को कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों इस बार भी उन्हें इस बात के बारे में पता तो चल चुका है, भले ही वो बाघा के जरिए ही क्यों ना हो, लेकिन पार्टी शार्टी की खबर उन्हें मिल चुकी है। तो वो डायरेक्टली जाकर पोपटलाल के घर में पार्टी शार्टी कैंसिल नहीं करेंगे, ज़रूर वो कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। और उससे पहले जितनी भी गोकुलधाम की महिलाएं हैं सभी से बात करके कंफर्म हो जाएंगे कि क्या उन्हें पार्टी शार्टी करने की इजाज़त मिली थी और वो पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों बापूजी ने एक मास्टर प्लान ज़रूर बना लिया है जो कि हमें कुछ ही दिनों के बाद अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है।